हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, भारत दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जिस देश में कुछ दूरी चलने पर अपनी भाषाएं, अपना रहन सहन और अपना खाना पहना बदलता रहता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के पश्चिम में बसा राज्य पश्चिम बंगाल की, जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में बे ऑफ बंगाल सागर से घिरा हुआ है। इस राज्य की राजधानी कोलकाता है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इस राज्य की जनसंख्या 9.9 करोड़ है, जिसमें लगभग 70% हिंदू, 27% मुसलमान और अन्य 3% रहते हैं। यहाँ की लिंग अनुपात 950 प्रति 1000 पुरुष है। यहाँ की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेटो 84% है। यहाँ पर बंगाली के साथ साथ इंग्लिश भाषा भी बोली जाती है। दोस्तों, यह राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा है और यह 14वें नंबर पर आता है, परंतु यहाँ की जनसंख्या बहुत ही अधिक है। यहाँ के बड़े शहरों के नाम कोलकाता, जो ब्रिटिश के अंडर भारत की राजधानी भी हुआ करता था, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, हावड़ा और खड़गपुर जैसे शहर आते हैं। इस राज्य में कुल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पश्चिम बंगाल की बाउंड्री सिक्किम, ओडिशा, झारखंड और बिहार से लगी हुई है। यह एक ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के दूसरी सबसे बड़े सीमा लगती है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश के साथ, और यह दक्षिण में बे ऑफ बंगाल सागर से घिरा हुआ है। यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ही लोकप्रिय है, जैसे कोलकाता, सुंदरबन, मिर्की, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कालिमपुर, हल्दी, शांतिनिकेतन, मायापुर जैसे शहर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी इस राज्य की पहली फीमेल सीएम हैं, जो 10 साल तक रह चुकी हैं। यहाँ के मुस्लिम डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स चित्रगोन, डोका आदि आते हैं। यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी बहुत क्लियर दिखता है दार्जिलिंग से। दोस्तों, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तब बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। वेस्टर्न बंगाल तो भारत में आ गया और ईस्टर्न बंगाल पाकिस्तान में चला गया। दोस्तों, दुर्गा पूजा, काली पूजा यहाँ का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु दिवाली, होली और भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। यहाँ की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ पर चावल अधिक मात्रा में उगाया जाता है, साथ ही गेहूँ, दालें और पटेटो। यह देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी 1984 में। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर इसी राज्य से हैं, स्वामी विवेकानंद भी और मदर टेरेसा भी। दोस्तों, यह राज्य भारत का सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीतने वाला राज्य भी है। दोस्तों, खेलों की बात करें तो दुनिया में यूके के बाद सबसे पहला गोल्फ क्लब भारत में ही बना था, जो पश्चिम बंगाल में है। फुटबॉल दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा स्टेडियम फुटबॉल का इसी राज्य में है, और तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी इसी राज्य में है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है तो फूड यहाँ का बहुत फेमस है, लीची, मिष्टी दही, रसगुल्ला और भी आदि। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।